नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन शेयर के बारे में, जो आपको अगर आपके पास 2000 शेयर है उसके बदले आपको 5000 शेयर दे रहा है ये कंपनी। साथ ही साथ इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे आपको सीखने मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो आपका बोनस है क्या रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब हम बाय कर सकते हैं अभी, तो अभी आप बाय करने में तभी बेनिफिट्स होगा जब शेयर में मोमेंटम बना रहेगा। मोमेंटम का फायदा लेने के लिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुख्य रूप से बोनस उनको फायदा करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं शेयर को। तो हमारा जो बोनस शेयर से रिलेटेड न्यूज बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे व्यूवर्स को जागरूक करना। तो दोस्तों, इसी पर्पज से हम बार बार वीडियो बनाते हैं और उस शेयर का डिटेल एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते हैं। इससे आपको लगातार जो स्टॉक मार्केट है उसके विभिन्न शेयर के बारे में आपको अपडेट रहते हैं, विभिन्न शेयर के बारे में जानते हैं कि अगर बोनस काफ़ी ज़्यादा दे रहा है तो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम उसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस को करते हैं। तो सिर्फ बोनस देने से हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ साथ कंपनी टेक्निकल चार्ट पे भी स्ट्रांग दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो शेयर है हमारा ये है पिलानी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर नेम है पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस जो है 2460 रुपीज है और देखते हैं बोनस शेयर के न्यूज के कारण ये स्टॉक्स लगभग 2% अप है। एक तो इतना ज़्यादा हाई वैल्यू का शेयर है और उसमें भी देखते हैं एक दिन में 2% का मतलब मूवमेंटम इसमें देखने मिला। जैसे बोनस का न्यूज आता है तो बोनस के न्यूज आने से शेयर क्या करता है मूवमेंटम पकड़ लेता है, क्योंकि इसका प्राइस इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है, लगभग 1000 रुपीज़ इसका प्राइस हो जाएगा। तो समझ सकते हैं 1000 रुपीज़ पर आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी शेयर का प्राइस काफ़ी हाई है। यहाँ पर आप देख लीजिए तो मार्केट कैप है इस मतलब कंपनी का भी जो मात्र 1945 करोड़, मात्र 2000 करोड़ से भी नीचे मार्केट कैप है। और इसका डिविडेंड देख लीजिए 250% का डिविडेंड हर साल देती है, फेस वैल्यू अभी आप देख लीजिए 10 रुपीज़ है और इसका डिविडेंड 1% है। डिविडेंड काफ़ी शानदार है, 1% का डिविडेंड काफी शानदार है, जबकि कपड़ा शेयर प्राइस भी देखते हैं काफी हाई है, उसके बाद भी 1% का डिविडेंड यील्ड जो कि काफी शानदार है। कॉर्पोरेट एक्शन पर चलते हैं तो कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन पर जैसे जाएंगे तो आप यहां पर देखते हैं कंपनी का बोर्ड मीटिंग कब है, कंपनी डिविडेंड कब कब पे करती है, तो 20 में 19 में 18 में 17 में 16 में हर साल लगभग इक्वल डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। बोनस की बात करें 2:5 का बोनस दे रहा है, जिसका एक्स बोनस डेट अभी मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब अभी आपके पास काफी टाइम है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। मतलब बोनस का जो न्यूज है उसका मोमेंटम का फायदा आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम का फायदा जो है आपको काफी लंबा समय है, तो हो सकता है इसमें मोमेंटम का गेन आपको मिल जाए बोनस शेयर के कारण जो न्यूज आया है। और अब 10 नवंबर जो है उसी दिन अनाउंस हुआ है, मात्र 4 दिन हुआ है और काफी मतलब 1 मंथ 2 मंथ का टाइम यहां आपको मिल सकता है और एक्स बोनस डेट के रूप में, तो काफी अच्छा खासा गेन यहां से मिल सकता है बोनस न्यूज के कारण। फिर कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंपनी ग्रोइंग है या कंपनी का जो सेल्स है वो मतलब एक कांस्टेंट हो चुका है, मतलब एक सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, तो इन सब चीज़ों को आप जान सकते हैं। तो कंपनी ग्रोइंग है या कंपनी कांस्टेंट हो चुकी है अपने बिजनेस के सेक्टर में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, 28 करोड़ से 125 करोड़ पहुँच चुका है और प्रॉफिट 20 करोड़ से 54 करोड़ पहुँच चुका है, जबकि बीच में डिक्रीज भी हुआ था प्रॉफिट, और मतलब अभी 2020 के फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो देखते हैं कंपनी लगातार ग्रोइंग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें। फिर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, अगर कंपनी का प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीज है तो फिर वो शेयर में हमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, प्रमोटर्स का जो स्टेक है कांस्टेंट है 57.55%, जो कि अच्छा खासा स्टेक है। अगर 50% के आसपास है प्रमोटर्स का स्टेक तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस तरह सारे पैरामीटर्स पे आपने देखा कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और जब भी कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू उसके नीचे मिले तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अभी कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा हो चुका है, बोनस शेयर का न्यूज है तो और ज़्यादा महंगा देखने आपको मिल सकता है। वहीं इक्विटी शेयर की बात करें तो 7.91 करोड़ है इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास। रिजर्व और सरप्लस की बात 5000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। देखते हैं यहाँ से 5 ईयर्स में लगभग 5 टाइम्स हो चुका है रिजर्व और सरप्लस। जब रिजर्व
रिजर्व सरप्लस है, इसी का यूज करके कंपनी बोनस दे रही है। इसी मतलब जो रिजर्व सरप्लस है उसको यूज करेगा कंपनी, एडिशनल शेयर क्रिएट करेगा, मतलब आपको मतलब एडिशनल शेयर जो अतिरिक्त शेयर है वो आपको कंपनी बना करके देगी। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग की बात करें तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है जीरो है, देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म बोर्डिंग नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोर्डिंग मतलब डेट, कंपनी के ऊपर डेट जो है लगभग जीरो है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो है 4.64 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास, जो कि काफी अच्छा खासा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कंपनी काफी बेहतरीन है। अब टेक्निकल चार्ट पर हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे तो ये हमारा है 200 डे का मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन देखते हैं, और ये हमारा है जो रेड लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज। जब वीकली चार्ट लगाते हैं तो ये हमारा यहाँ पर काम नहीं करता है 200 डे का मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉक ज्यादा पुराना नहीं है, 2016 में ही कंपनी लिस्ट हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कंपनी जब लिस्ट हुई थी उस समय प्राइस था 1231 रुपीज, और यहां से कंपनी काफी वोलेटाइल है। टेक्निकल चार्ट पे ये कंपनी काफी वीक नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी यहां पर देखते हैं 2017 में से लेकर के 2018 में अपना ऑल टाइम हाई बनाता है 3250 का, और वहां से कंपनी में लगातार गिरावट देखने मिला 18 के बाद। और यहां पर जो कोरोना के कारण जो पैंडमिक आया था उसके कारण जो इसमें गिरावट आया तो उस समय अपना सबसे लो बनाया 900 रुपीज़ का, जो कि लिस्टिंग के समय भी नहीं था। तो समझ सकते हैं कि अपना ऑल टाइम लो बनाया इसी साल मार्च में, और वहां से कंपनी वन साइडेड मोमेंटम दिखाया है, और अभी कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं 2460 रुपीज़ पे आ चुका है। और यहां से बोनस के न्यूज़ के कारण कंपनी में लगातार मोमेंटम है, और यहाँ वीकली चार्ट पर देखते हैं काफी ज्यादा बुलिश है ये स्टॉक। चलते हैं हम डेली चार्ट पर, डेली चार्ट पे भी कंपनी आप देखिएगा काफी बुलिश है अप्रैल महीने से भी। यहाँ पर जो गिरावट आया था मार्च अप्रैल में वहीं से कंपनी लगातार बुलिश है, और यहाँ पर ये 200 डे का EMA और 50 डे का जो EMA है उसको यहाँ पर देखते हैं दोनों टच किया था और यहाँ पर दोनों क्रॉस किया। तो इससे जैसे नीचे था 50 डे के मूविंग एवरेज से आप यहां पर बाय कर सकते थे, लेकिन बाय क्यों करते या नहीं करते तो ये आप को निर्भर करता था कि कंपनी में जो लगातार वीकनेस बना था तो यहाँ पर बाय करने में काफ़ी डर लगता, लेकिन आप यहाँ पर बाय कर सकते थे। ये जो आपको 1600 रुपीज़ का लेवल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 50 डे के एवरेज और 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया, मतलब ये बुलिश होने का सिग्नल दिया, यह जो स्टॉक का प्राइस है वो बुलिश हो चुका है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। जैसे कंपनी 200 डे के EMA को और 50 डे के EMA को क्रॉस करता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, और जस्ट स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना था जस्ट इसके नीचे। ये जो अपना लो बना रहा था यहां पर जो सपोर्ट बना रहा था 1500, तो इसके जस्ट नीचे 1400 पे आप स्टॉप लॉस लगाते और जस्ट 1600 पे आप बाय करते, अभी अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट कर सकते थे। तो टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा कंपनी वीक है, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसीलिए हम फंडामेंटल्स को देखते हैं। कंपनी टेक्निकल चार्ट पे लगातार लो बनाया जा रहा था तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी था, यहां पर 900 पर अगर हम बाय करते तो अभी हमें जो है लगभग 250% का रिटर्न प्राप्त होता, कुछ ही महीने में हमें यहां से 250% का रिटर्न प्राप्त होता, तो जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल था। तो यही होता है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, जैसे वो 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे वो कंपनी मतलब रिटर्न देना हमें चालू करेगी, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम में आएगा कंपनी, रॉकेट की तरह शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, जिससे हमें अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस का फायदा, फंडामेंटल जो कंपनी स्ट्रांग है उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, जिस तरह से अभी आईटीसी का स्टॉक देख सकते हैं काफी ज्यादा नीचे आ चुका था 160-150 रुपीज के प्राइस पर, और वहां से कंपनी जो है फिर से मोमेंटम पकड़ा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आईटीसी का स्टॉक भी इसी तरह से अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच सकता है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने अभी वक्त है, क्योंकि इसका 3250 ऑल टाइम हाई है, अगर वहां क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। अभी भी इसमें अच्छा खासा ऊपर जाने का पोटेंशियल बाकी है, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। साथ साथ बोनस का जो न्यूज है उसके कारण ये मोमेंटम पकड़ता है तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तो उसका बेनिफिट लेकर के भी आप एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। अगर आप यहां पर लेते हैं तो आपका जस्ट स्टॉप लॉस जो है 2200 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि ये यहां पर देखते हैं यहीं से ये
ब्रेकआउट दिया है, अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो फिर ये कंपनी मतलब ये जो स्टॉक है यहाँ से करेक्ट हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हमारा रूल है कि जैसे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वहाँ पर हम बाय करते हैं, और जैसे ये ऊपर जाता है तो हम सेल करते हैं। तो हमारे अनुसार जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हम इसको सेल कर करके प्रॉफिट बुक करने के सोचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप पोजिशन बनाते हैं तो आप सतर्क रहिएगा। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आपको बनाना है, छोटे क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है। जब प्राइस यहाँ काफ़ी लो था तो वहाँ पर हम इसमें बड़े क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते थे, या ट्रेडिंग के लिए भी मतलब ह्यूज नंबर में, ह्यूज क्वांटिटी में हम पोजिशन बना सकते थे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।